वस्त्रधारी महिलाएं माताएं बहनें
यहाँ से गुजर रही है एक सरस्वती माता के मंदिर के प्रांगण में। धन्यवाद। ये मऊ बैठक जो एक स्टेप हुआ करता था, आज पुनः पृथक जिले के रूप में हम सबको हाथ में मिला है। निश्चित रूप से हम लोग संकल्प ले आज के इस महान कार्यक्रम में इस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा नेतृत्व में ये हमारी सर नए जिले में आज ध्वजारोहण किया गया है, किस तरह से व्यवस्थाएं, किस तरह से कार्य यहाँ पे हो पाएगा संघर्ष? देखिए, सरकार ने 53वां जिला बनाया है मऊगंज को। ये बहुत ही गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है यहाँ के लोगों के लिए और हम सभी के लिए। और मुझे प्रथम कलेक्टर के रूप में और जैन साहब को प्रथम पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ किया है। हम दोनों एक टीम के रूप में काम करके हम कोशिश करेंगे कि मऊगंज जिला विकास की राह में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिले। पूरी तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं ये अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचे और विकास की गंगा यहाँ पर बहे। और जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों की है नए जिले से, जिस मंशा से सरकार ने नया जिला गठित किया है, हम सब मिलके एक टीम के रूप में उन अपेक्षाओं को, उन आशाओं को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज जो स्वतंत्रता दिवस भी है, मैं मऊगंज के सभी लोगों को इसकी बधाइयां देता हूं और पूरी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये हमारा कल हो गया पूरा भाई, सब लोगों को पहुँच भी नहीं पाए थे। मऊगंज नया जिला घोषित हुआ है और शासन की इच्छा है कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले और जो विकास है उसकी पूरी पूरी सुविधा मिले। और इसका मैं और कलेक्टर साहब पूरा कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जिला पूरा मुख्यालय यहाँ स्थापित हो जाए, पुलिस लाइन स्थापित हो जाए, अन्य कार्यालय स्थापित हो जाए और सुचारू रूप से चलने लगे जिससे न्याय मिल सके। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मऊगंज जिला के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि पहला कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर और आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत गौरवमय तरीके से, बहुत गरिमापूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम आज संचालित हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्ज्वल मऊगंज जिले के उज्ज्वल भविष्य की सबको कामना कामना करता हूँ।